देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार जहां हम लोग लगभग पिछले 28-30 साल से लगातार हम लोग सक्रिय हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन ने 2009 के चुनाव में मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था उसमें मुझे सेकंड रखा। 2014 के चुनाव में INLD के सिंबल पर यहां से जिता के भेजने का काम किया। फिर 19 के चुनाव हुए, 19 के चुनाव में पार्टी की भीतरघात के कारण और इसमें जो हमारे फरीदाबाद के बड़े नेता हैं उन्होंने सहयोग नहीं किया जिसके कारण मात्र कुछ थोड़े से वोटों से हार का मुंह हमें देखना पड़ा। पिछले 5 साल से हमने मन लगाकर पार्टी के लिए काम किया। 2019 में भी मैंने भाजपा कैंडिडेट के लिए दिन रात मेहनत करी और 2024 के चुनाव में भी हमने जो है सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर, क्योंकि उसमें सांसद महोदय ने हमारी अन्यटी विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी करी थी जिसको लेकर मेरी कुछ नाराजगियां थी, तो जिसके कारण जो है फिर सांसद जी हमारे घर आए और सारी बातें हुई। माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी लेकर आए, इसमें उन्होंने गंगा जल की कसम उठाई और अपना इकलौता पुत्र है उसकी कसम उठाई कि नगेंद्र भाई आप मुझे विधानसभा आपकी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि कांग्रेस का विधायक है और यहां पर जो है भाजपा हारने की स्थिति में है, स्थिति बढ़िया नहीं है, तो आप लोग हमारी इसमें पार्टी की मदद करें और आगामी विधानसभा चुनाव में हम आपको टिकट दिलाने का काम करें। लेकिन मंत्री जी हमें टिकट दिलाने की बजाय पुत्रमोह में फंस गए, ना केवल एनआईटी विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरा फरीदाबाद लोकसभा इस बात को जानता है कि जनता की पसंद क्या है। जितने भी सर्वे हुए, चाहे CID के सर्वे हुए, चाहे पार्टियों ने सर्वे कराए, संघ का सर्वे हुआ, सब में हमारा नाम अव्वल था। सर, जनता आपके समर्थन में है, टिकट नहीं मिली पर जनता समर्थन में है। और उसके बाद अभी आप क्या मानते हैं कि एनआईटी 86 से आप भी लड़ रहे हैं तो कांटे की टक्कर होगी या क्लीन जो है आप कहते हैं जीत होगी? एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो मुझे प्यार आशीर्वाद मिला है उसे देख के मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि भाजपा कैंडिडेट और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं इनकी जमानत के लाले पड़ जाएंगे। एक तरफा एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना आशीर्वाद रूपी वोट देकर बसपा इनेलो गठबंधन को यहाँ से एक हजारों की वोटों से जिताने का काम करेगा। हमारे NP सिंह जी ये है जो कि हमेशा पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। टक्कर किसे मानते हैं? जो जनता का प्यार था और जो जनता की यहाँ से सर्वे की रिपोर्ट थी वो हमारे लिए थी, लेकिन पार्टी के नेता जो अपने आप को पार्टी से ऊपर मानते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं को दो दो बार प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया, तीन तीन बार उनको लोकसभा में उनको टिकट दी और तीन बार उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने का काम किया। लेकिन आज जब भाजपा को उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने फरीदाबाद के अंदर ऐसी टिकटें बंटवा दी कि जहां उन टिकटों में जो है वहां पर जो उनकी हार निश्चित है। आपने डोर टू डोर कैंपेन किया था, कई सालों से आप लगे हुए थे, तो वो मेहनत अब भाजपा की अब इन्हें लोगों के काम आएगी? देखिए वो मेहनत जो है वो नगेंद्र भडाना ने और उसके सुख दुख के संघर्ष के जो साथी थे वो उन्होंने की थी जी, वो किसी और ने नहीं करी थी। उसमें जो है मैं धन्यवाद करना चाहूंगा NIT विधानसभा के देवतुल्य मेरे साथियों का, जिन्होंने ना दिन देखी ना रात देखी, ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी और संघर्ष किया दिन रात, उन्होंने अपने कीमती समय में से समय देने का काम किया। मैं उनके को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। आज नगेंद्र जी ने कहा है, नगेंद्र जी आज भी भावुक हो रहे हैं आप, आंखों में आपके नमी दिख रही है। देखिए जब आदमी मेहनत करता है
और उसके साथ जब अन्याय होता है तो आह जो है वो दिल से निकलती है। और मैं तो सांसद महोदय जी को ये कहना चाहता हूँ, सांसद महोदय जी जिस तरह से आप लोगों ने हमारे साथ ज्यादती करी है, आपका राजनीतिक जो है अब आप अंत की तरफ जा रहे हैं। घर वापसी आपकी? जी निश्चित तौर पर घर वापसी।